यस गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट इस वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर सेकेंड एन सी आर टी बुक क्लास सिक्स इंग्लिश ओके यस हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ और न्यू मास्टर ओके फ्रीडम आज़ादी इल बीमार मास्टर मालिक टायर्ड थक जाना वंडरिंग इधर उधर घूमना एंड ये क्या फैट डरा हुआ और स्ट्रॉगर सबसे ताकतवर सर्वेंट नौकर किंग किंसम रिश्तेदार फिर गुरु भयंकर और एग्रीड सहमत होना स्नीप सूंघना या सूंगा डॉटेड छलांग लगाना क्योंकि जल्दी से हर्ड झुंड किसका झुंड काय गाय का झुंड काओ का झुंड है ना झुंड हर्ड ऑफ काओ टेरिबल भयानक डरावना हैसली जल्दी में डीपर और गहरे जंगल में घुस चला जाता है शेर है ना फॉरेस्ट जंगल फैतफुली वफादार कौन होता है डॉग लोल वफाद ईमानदार एंड स्ट्रेट साथ रहना डॉग जब से किसके साथ रहता है मानव मनुष्य के साथ है ना एंड uh, स्टक मारना जैसे वो लाइन गुस्सा होकर पैर पटकता है ना जमीन में वहाँ खड्डा हो जाता है एंड क्वाइटली चुपचाप और सरप्राइज आश्चर्यचकित ओके ये आपको राइट डाउन करना है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप ओके थैंक यू फ्रेंड्स इट इज द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर सेकेंड सिक्स क्लास हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ मास्टर ओके वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर डॉग को क्यों फील हुआ कि उसको एक मास्टर चाहिए द डॉग was सिक एंड टायर्ड of going about alone in search of food and he did not feel safe so he decided to have a master matlab मतलब usko dog डॉग अब थक गया था अकेला फूड नहीं ढूँढ सकता था मतलब खाना भोजन नहीं ढूँढ सकता था तो और वो सेफ भी नहीं फील करता था इसलिए उसने क्या करा एक मास्टर ढूंढा मतलब मालिक हु डिड ही फर्स्ट चूज इज एज ही लीव दैट मास्टर पहला उसने किसको चुना था और क्यों छोड़ा था द डॉग फर्स्ट अ वॉल्फ एज हिज मास्टर बट ही फाउंड द अ अफ्रेड ऑफ द बियर मतलब क्या वॉल्फ मतलब किससे डर गया था बियर से सो ही लेव द कंपनी ऑफ द वर्ल्व हु डिड ही चूज नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट कौन था बी एड था लेकिन बी एड भी डल जाता है और वाई डिड ही सर्व द लाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम उसने उसकी सर्विस ज़्यादा क्यों करी थी लॉन्ग टाइम लाइन की क्योंकि लाइन स्ट्रॉन्ग होता है सबसे किंग होता है ना द डॉग सफ़ द लाइन

Hmm, next is who did he finally choose as his master and why? Last the dog finally chose a man as his master. Even the lion was afraid of man, so the dog was convinced that man was the strongest creature on earth. वो क्या हुआ कि मैन से कौन डर जाता है लॉन्ए तो इसलिए वो एंड में मान लेता है कि इससे मैन से ज़्यादा बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में तो वो मैन के साथ रहता है डॉग अब इसकी समरी है आप किसके क्वेश्चन है इसको देखो तो फिलअप करना है आपको ओके okay? स्टोरी है ये हाँ इसको कर लेना ओके नेक्स्ट इज़ इसको क्या करना हर जिनके झुंड मतलब लिखना है इनके बारे में ना आंसर देखो लिखा हुआ है ना फ्लीट ऑफ सिप्स मतलब आ, सिप्स होनी होती उनका बेड़ा बहुत सारे होते उनको क्या कहते हैं बेड़ा और बंच ऑफ फ्लावर्स ब्रूड ऑफ चिक्स ब्रूड क्या होता है अंडे किसके चीज़ चूजों के अंडे हर्ड क्या होता है कैटल क्या होता है वो जो ये होते हैं ना मवेशी उनका झुंड और ये क्या है बंडल ऑफ स्टिक पता ही है लकड़ियों का गट्टा और फ्लॉक ऑफ सिप्स वही भेड़ का झुंड एंड क्लास ऑफ फिश और पैक ऑफ वॉल्स वही झुंड ऑफ हाँ इसमें भी यही है आपका ऑनेस्ट पिछले में ई एस और टी वाई जोड़ के बनाने हैं इसके देखो आंसर है नीचे ओके हाँ ऐसे नहीं लिखना आपको क्या करना फर्स्ट ऑनेस्ट लिखा उसके सामने लिखना ऑनेस्टी फिर सेकंड काइंड kind लिखा काइंडनेस ऐसे लिखना ओके फिर आपका ए, इसको फिलअप्स करना है अपोजिट वर्ड में देखो है ना एस एनसेंटर मतलब डिसेंटेड मतलब पूर्वज और ये क्या है वाइल्ड का क्या हो जाएगा टैम वाइल्ड में जंगली टैम मतलब पालतू एनशेंट पुराना मॉडर्न निया न्यू और नियर एंड डिस्टेंस मतलब दूरी रखते हैं अभी दूर, दूरी रखने बोलते हैं ना कोविड नाइन्टीन में और सडनली अचानक और ग्रेजुअली आराम से ओके ये वाला आप कर लेना